गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में, और ज्वालामुखी के जो मैंने दो वीडियो पहले बना चुका हूँ, अब अपन तीसरे वीडियो पार्ट थ्री में अपन बात करते हैं ज्वालामुखी का वितरण, यानी विश्व में ज्वालामुखी की जो पेटियाँ हैं वो कहाँ कहाँ पर है, और कौन सी पेटी में सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं, और कौन सी पेटी महासागरीय पेटी है, और कौन सी पेटी महाद्वीपीय पेटी है, इनके बारे में अपन बात करेंगे, और कौन कौन से प्रसिद्ध ज्वालामुखी उन पेटियों में वितरण में है। तो अपन बात करते हैं कौन कौन से देशों से होकर ये महाद्वीपीय पेटियां, महासागरीय पेटियां ज्वालामुखी की, ये कहां से निकलती है, और कौन सी पेटी को अग्निवलय पेटी के नाम से जानते हैं, और सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी किस पेटी में आते हैं, इनके बारे में भी अपन जानते हैं। तो आज अपन बात करते हैं ज्वालामुखी वितरण की, विश्व वितरण ज्वालामुखी का विश्व में वितरण किस प्रकार से। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ मैंने एक आपको ब्लूप्रिंट के रूप में कच्चा मैप बनाया है। जैसे ये यूरोप महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, और इधर ये एशिया महाद्वीप, और यहाँ आप देखते हो ये अफ्रीका महाद्वीप है। फिर मैंने इधर बनाया आपके लिए, देखो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ मैंने ए लिखा, इसका मतलब ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब अपन इनको विश्व वितरण को मैप के थ्रू अपन किस प्रकार से पढ़ते हैं, जैसे देखो आपको पता है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में यहाँ पे प्रशांत महासागर है। देखो मैंने रेड पेन से यहाँ से एक ड्रॉप बनाया हुआ है इस प्रकार से, ये देखो रेड पेन से, यह इसे कहते हैं परी प्रशांत महासागरीय पेटी। देखो परी प्रशांत, परी यानी चारों ओर, और प्रशांत यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर, और महासागरीय पेटी क्योंकि ये महासागर में स्थित है, ये देखो प्रशांत महासागर, इसलिए इसका नाम महासागरीय पेटी है, क्योंकि ये प्रशांत महासागर के में चारों ओर, प्रशांत महासागर के चारों ओर फैली हुई पेटी है। एक बात तो ये, एक नंबर पेटी अपन इसको देते थे प्रशांत महाद्वीप। दूसरा देखो ये लिखा हुआ है मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब इसको मध्य मध्य यानी महाद्वीपीय क्यों कहा गया, देखो ये यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप है, और ये देखो अफ्रीका महाद्वीप, तो इन अफ्रीका यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में से होकर जाती है, इसलिए मध्य कहा गया, और महाद्वीपों के बीच में से होकर जाती है, इसलिए इसे अपन मध्य महाद्वीपीय पेटी के नाम से जान जाते हैं। तो इसे मैं लिख देता हूँ दो नंबर पेटी। फिर अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य अंटार्कटिक पेटी। अब देखो ये जैसे आइसलैंड हो, यहाँ पे लिखा हुआ है आइसलैंड है, वो जोर से ये एस आकार में जो महाद्वीप फैला हुआ है, ये देखो इस प्रकार से, इधर वापस मैप में अगर उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका जाए तो इनके बीच में जो एस आकार में फैला हुआ है, इसे मध्य अंटार्कटिक पेटी कहते हैं। और अंटार्कटिक नाम क्यों दिया, क्योंकि ये अंटार्कटिक महासागर के बीचों बीच में से एस आकार में इस प्रकार फैला हुआ, तो इसे मध्य महा अंटार्कटिक पेटी, और इसे अपन नाम दे देते तीन नंबर नाम। फिर देखो एक आपको और आएगा कि महान अफ्रीकन ब्रंस घाटी, तो ये अफ्रीका की ब्रंस घाटी, देखो अफ्रीका के मध्य में, अफ्रीका के मध्य में। और एक आएगा अन्य जगहों पर, जैसे उनका वितरण जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर भी है, तो वहां पर अन्य जगहों पे, तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना तीन पेटियां हैं, परिप्रशांत पेटी, मध्य महासागरीय और मध्य अंटार्कटिक, और अंतरा प्लेट के रूप में भी अपन कह सकते हैं, या अफ्रीका की ब्रंस घाटी के रूप में, कहीं चार लिखा मिलेगा कहीं पांच, तो ये मैं इसको चार नंबर दे देता हूँ, और एक अंतरा प्लेट या अंटार्कटिका प्लेट के रूप में अपन पांचवी बात। तो देखो अब अपन इसमें बात करते हैं, सबसे पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं, ये वाले इधर से शुरू करते हैं, यहाँ जैसे अपन एक नंबर से शुरू करते हैं परी प्रशांत महासागरीय पेटी। अब परी प्रशांत महासागरीय पेटी देखो यहाँ न्यूजीलैंड लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया के पास में, तो ये न्यूजीलैंड से शुरू होगी, और यहाँ पे देखो इंडोनेशियाई द्वीप समूह दिए होते हैं, इंडोनेशियाई द्वीप समूह, तो ये देखो न्यूजीलैंड से शुरू होकर इंडोनेशियाई द्वीप समूह होते हुए यहाँ पर फिलीपींस देश, जिसकी राजधानी मनीला है, तो फिलीपींस होते हुए फिर यहाँ पे जाएगी आपके जापान के चार द्वीप आएंगे, होकेडो, होन्सू, सिकोको, क्यूशू, यहाँ पे जाएगी, फिर ये देखो यहाँ पे क्यूराइल जो आपका आएगा, फिर ये ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला एशिया वाला इधर वाला भाग जहाँ से बेरिंग जल संधि आती है, उत्तरी अमेरिका यानी अलास्का और एशिया को अलग करता है, ये है यहाँ पे कमचटका प्रायद्वीप, तो यहाँ पे ये कमचटका प्रायद्वीप से होते हुए फिर ये देखो यहाँ पे वापस ये ऐसा का ऐसे घूम जाएगी, तो यहाँ अलास्का आ जाएगा, फिर यहाँ पे रॉकी पर्वतमाला आ जाएगी, फिर यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आ जाएगा, और नीचे जो आपका अंटार्कटिका वाला क्षेत्र आएगा वहाँ पे माउंट टेरर और माउंट एरोबस के नाम से ये पेटी है। तो ये देखो न्यूजीलैंड से शुरू होती है, फिर यहाँ पे इंडोनेशिया,
फिलीपींस, जापान, क्यूराइल, कमचटका, अलास्का, रॉकी पर्वत, आपका एंडीज पर्वत, फिर आपके अंटार्कटिका, यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर ये फैली हुई है। तो इसे ये देखो रिंग की तरह, एक गोल की तरह है, यहां से परिप्रशांत। सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी इसी पेटी में आते हैं, इसी कारण परिप्रशांत महासागरीय पेटी को अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। इतने सारे क्षेत्रों से होकर प्रशांत महासागर के चारों ओर पूरे के यहाँ पे ज्वालामुखी ज्वालामुखी है, इस कारण सर्वाधिक ज्वालामुखी इसी पेटी में आते हैं, सर्वाधिक भूकंप भी इसी पेटी में आते हैं, और ये गोल रिंग के जैसी होने के कारण इसे रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय के नाम से जाना जाता है। तो विश्व वितरण में आपको ध्यान रखना परिप्रशांत पेटी में कहाँ कहाँ आते हैं, ये सारे नाम यहाँ मैंने आपको लिख दिए जो महत्वपूर्ण नाम है, बड़े बड़े नाम। फिर अपन बात करते हैं दो नंबर पेटी, देखो मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब देखो यूरोप और अफ्रीका के मध्य से होकर ये यहाँ से आती है, फिर ये देखो भारत के नीचे से होकर जाती है, और ये वापस यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के ऊपर के उत्तर की तरफ से ये परिप्रशांत पेटी में मिल जाती है, इसी को कहते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ पर देखो भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर पर यहाँ पे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश सिस्टम कहते हैं, और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी मुख्य रूप से भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप के पास में स्थित है, लिपारी द्वीप, तो ये भी ध्यान रखना। फिर ये यहाँ पे विसुवियस ज्वालामुखी है इटली के पास में, यहाँ पे इटली में एटना ज्वालामुखी है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ ईरान, ये जो अरब प्रायद्वीप है, यहाँ ईरान में देवबंद ज्वालामुखी है, कोहे सुल्तान ज्वालामुखी है, जो दोनों ही क्या है, मृत ज्वालामुखी के उदाहरण, शांत ज्वालामुखी के उदाहरण माने जाते हैं। फिर यहाँ पर आल्पस, और यहाँ पर अपन कह सकते हैं एल्ब्रुज ज्वालामुखी है। फिर देखो ये भारत वाले क्षेत्र में, यहाँ पे आपको पता है कि ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो अंडमान वाले जो द्वीप समूह है, वहाँ पे भारत के दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक तो बेरन ज्वालामुखी, एक नरकोंडम ज्वालामुखी। और बेरन ज्वालामुखी भारत का सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, और नरकोंडम ज्वालामुखी है भारत का निष्क्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर ये जो पेटी है यहाँ पर, फिर ये देखो वापस इंडोनेशिया द्वीप समूह आ जाएंगे, और इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा, ये कई सारे द्वीप हैं, वहाँ पे क्राकोतोआ जो ज्वालामुखी है वहाँ पर है, इंडोनेशिया सुंडा जल संधि में। तो देखो ये यहाँ से शुरू हुई थी कनारी मडेरा द्वीप, ये स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर होते हुए ईरान, इराक, फिर ये आपके यहाँ पर भारत होते हुए वे, फिर ये इंडोनेशिया, यानी ये मध्य महाद्वीपों के बीच से होती हुई पेटी आती है, इसीलिए इसे मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। यहाँ पर विश्व के लगभग दो तिहाई, या अपन ऐसे कह सकते हैं पहली पेटी में 63% ज्वालामुखी आता है, और यहाँ लगभग अपन कह सकते हैं लगभग 15-20% जो ज्वालामुखी वह यहाँ पर आते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी में। फिर अपन बात करते हैं ये तीसरे नंबर की पेटी आती है, यहाँ पे देखो एस आकार में फैली हुई मध्य अंटार्कटिक पेटी। अब मध्य अंटार्कटिक पेटी का मतलब क्या, देखो मध्य अंटार्कटिक पेटी आइसलैंड से शुरू होती है, फिर ओजोर्स द्वीप समूह आती है, फिर यहाँ पे सेंट हेलेना यहाँ पे जो द्वीप समूह आता है, फिर ये नीचे यहाँ पे बुएट द्वीप समूह है, दक्षिण अमेरिका का जो नीचे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे यहाँ पे बुएट द्वीप समूह तक ये 14,400 किलोमीटर तक मध्य अंटार्कटिक यानी कटकों के रूप में फैली हुई है जल के अंदर ये जो पेटी है। और ये पेटी है ये अप्सरी प्लेट के किनारों पर है, अप्सरी जो प्लेट के किनारे यानी फैलने वाला काम करते हैं, इसीलिए ये जो महासागर फैलने का काम करता है, और ये अभिसारी का उदाहरण है, इसीलिए यहाँ पर जो ये महासागर है प्रशांत महासागर ये सिकुड़ता है, दो पेटियाँ दो प्लेटें पास में आ रही है और यहाँ पर दूर जा रही है। तो ये हो गई आपकी मध्य अंटार्कटिक पेटी 3 नंबर। फिर अपन बात करते हैं अफ्रीका की ब्रंस घाटी, यानी अफ्रीका में भी जो एक महान ब्रंस घाटी पाई जाती है वहाँ पर भी ज्वालामुखी के उदाहरण है। इसी ब्रंस घाटी में आपको पता है कई सारी जो जिले हैं, जिले जैसे अपन कह सकते हैं मलावी झील है, आप कह सकते हो जो आपकी मलावी है, ये यहाँ पर 3-4 जिले हैं, लेकिन एक बात और है, विक्टोरिया झील महान ब्रंस घाटी का भाग नहीं है, ये हमेशा आपसे पूछा जाएगा, 3-4 जिलों के नाम दे देंगे, वहाँ विक्टोरिया भी बोलेंगे और बोलेंगे ब्रंस घाटी का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो विक्टोरिया झील ब्रंस घाटी का उदाहरण नहीं है। दूसरी बात विक्टोरिया झील के बारे में, विक्टोरिया झील आपको ये ध्यान रखना भूमध्य रेखा पर स्थित झील है, यानी अफ्रीका की जो विक्टोरिया झील है वो भूमध्य रेखा अफ्रीका के मध्य से होकर जाती है, तो भूमध्य रेखा पर स्थित एक झील है विक्टोरिया झील।
और विक्टोरिया झील में आपको याद रखना है, जैसे ये विक्टोरिया झील है तो मैं आपको याद करवा देता हूं, युकेत, युकेत यानी युगांडा, केन्या और तंजानिया, यानी तीनों के मध्य स्थित है। तो आपको याद रखना यूक्रेन की जगह युकेत के विक्टोरिया, तो इसी तरह यूक्रेत, तो आपको यू से युगांडा, के से केन्या, त से तंजानिया के मध्य स्थित झील कौन सी है, आपकी विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील से कौन सी भूमध्य रेखा पर स्थित झील कौन सी मानी जाती है, विक्टोरिया झील। तो इस प्रकार से अपन ने जो महाद्वीपीय जो पेटियां थी विश्व में जो वितरण था वो अपन ने पढ़ा था यहाँ पर ज्वालामुखी का विश्व में वितरण। अब अपन बात करते हैं एक और कि ज्वालामुखी के जो प्रभाव है, ज्वालामुखी आएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं कुछ नकारात्मक, यानी ज्वालामुखी से कुछ लाभ भी होते हैं कुछ हानि भी होते हैं। जैसे देखो हानि वाले प्रभाव तो सबको पता है, जैसे क्या, जैसे जैसे ही ज्वालामुखी फटेगा जिस क्षेत्र में फटेगा वहाँ पे जन हानि हो जाएगी, धन हानि हो जाएगी, मान हानि हो जाएगी, वहाँ पे बड़े बड़े पर्वत टूट जाएंगे, वहाँ से वहाँ पर जो मछलियाँ हैं वो मर सकती है ज्वालामुखी फटने से, वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे हैं कृषि व्यवस्था है उनके ऊपर नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये क्या, ये हानि यानी नकारात्मक प्रभाव है ज्वालामुखी फटने से। अब ज्वालामुखी के दो तीन सकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे देखो ज्वालामुखी फटेगा मान लो जिस स्थान पर, तो उस स्थान पर बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण हो सकता है, जैसे टोबा झील का निर्माण हुआ ज्वालामुखी के फटने से, ठीक है ना। कई सारी विश्व में ऐसी झीलों के उदाहरण है जहां पर ज्वालामुखी फटा तो उसके ज्वालामुखी के जो मुख होता है वहां पे क्रेटर झील के उदाहरण के रूप में वहां पर झीलों का निर्माण हो जाता है। दूसरी बात, ज्वालामुखी के फटने से पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऐसे कई सारी चट्टानों के टुकड़े आते हैं जिनसे पृथ्वी की आंतरिक भाग की अपन को जानकारी होती है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग कौन सी चट्टान से निर्मित है, कौन सा कितना हार्ड भाग है। तो उन चट्टानों के जो टुकड़े आएंगे उनके अध्ययन करके अपन पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी ले सकते हैं। तीसरी बात, जब भी पृथ्वी से जो ज्वालामुखी फटेगा तो उसमें से कुछ बहुमूल्य खनिज पदार्थ भी निकलते हैं, पायरोक्लास्ट वगैरह ऐसे टुकड़े निकलते हैं जो मानव के लिए काम आते हैं। तो ज्वालामुखी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव है। तो आज हमने पढ़ा विश्व पर वितरण ज्वालामुखी का, विश्व में किस प्रकार से ज्वालामुखी। अब अपन एक बात और पढ़ते हैं, एक पॉइंट और पढ़ते हैं कि शंकु, यानी जो शंकु क्या होता है ज्वालामुखी शंकु। तो देखो ज्वालामुखी शंकु के रूप में अपन इसको पढ़ते हैं, दो चार में आपको उदाहरण बता देता हूं ज्वालामुखी शंकु के, ताकि वो आपको कभी भी ऐसे परिभाषा में आ जाए तो आपको ध्यान रखना ज्वालामुखी शंकु के। देखो जैसे एक उदाहरण दे दिया मैंने आपको ज्वालामुखी, ये शंकु। अब शंकु तो मैंने आपको बता दिया था, जैसे ये कोई पृथ्वी की सतह है या चट्टान है, यहां से जैसे ये इस प्रकार से ज्वालामुखी निकल रहा है, तो ये वाला जो भाग था ना ये इस प्रकार से बनी आकृति, इसको क्या कहते हैं ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। ये किस प्रकार की आकृति है, ये शंकु के रूप में आकृति। अब देखो इसी शंकु के तीन चार उदाहरण, जैसे एक हो गया अम्लीय शंकु, एक हो गया सारीय शंकु। तो इनमें अंतर क्या, देखो शंकु अम्लीय शंकु और सारीय शंकु, देखो जिसमें जो लावा निकलता है उस लावा में अगर सिलिका की मात्रा अधिक है, सिलिका की मात्रा क्या है, सिलिका अधिक है, तो उस प्रकार के शंकु को अपन क्या कहते हैं, ऐसा ज्वालामुखी शंकु जिससे जो लावा निकलता है उसमें सिलिका की मात्रा अधिक है और वो लावा क्या है, गाढ़ा है, और वो लावा क्या है, और वो लावा पीला है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, अम्लीय शंकु कहते हैं, अम्लीय शंकु। और सारीय शंकु यानी इस प्रकार का जो शंकु जिसमें जो लावा है वो आपको मिलेगा आपको पतला, वहां पे तो देखो गाढ़ा मिलता था, यहाँ पे मिलेगा पतला और इसका रंग होगा काला, और यहाँ पर देखो सिलिका की जो मात्रा है ना, सिलिका की मात्रा वो होगी आपकी कम, यानी यहाँ पे सिलिका की मात्रा अधिक होगी और यहाँ होगी कम। तो दो शंकु के उदाहरण तो मैंने आपको बता दिए, अम्लीय शंकु और सारीय शंकु। एक होता है मिश्रित शंकु यानी जिस शंकु में पायरोक्लास्ट और अन्य प्रकार के टुकड़े मिलते हो, पायरोक्लास्ट और अन्य जो पदार्थ मिलते हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, मिश्रित शंकु कहते हैं। एक होता है परिपोषित शंकु। देखो परिपोषित शंकु का मतलब, जैसे ये एक शंकु है, ये कोई शंकु है इस प्रकार से, ये कोई शंकु है,
इसी एक शंकु के ऊपर यहां पर दूसरा शंकु और मिलेगा, यहां पर तीसरा शंकु एक और मिलेगा। तो इस जो दूसरा और जो तीसरा, ये दूसरा और ये जो तीसरा शंकु है, इसका निर्माण भी इस पहले वाले शंकु से परिपोषित, यानी इस परिपोषित शंकु से इनका और इन दोनों का निर्माण हुआ। यानी इनका पोषण कहां से हो रहा है, इनको लावा कहां से मिल रहा है, इस शंकु से मिल रहा है। यानी एक शंकु के ऊपर जब दूसरे शंकु या तीसरे शंकु उनका लावा उनको मिले तो उसे परिपोषित शंकु कहते हैं। एक होता है शंकु में शंकु, देखो शंकु में शंकु, देखो ये क्या होता है इसमें, देखो जैसे मान लो ये कोई ज्वालामुखी आपका लावा फट गया, पहली बार विस्फोट हुआ, ये देखो विस्फोट वन, ये विस्फोट हुआ तो ये एक शंकु बन गया, ठीक है, ये इस प्रकार शंकु। जब दूसरी बार और विस्फोट हुआ, ये दो नंबर पे विस्फोट हुआ, वापस विस्फोट हुआ इसी में, तो देखो इसी शंकु को क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। यानी शंकु में शंकु का मतलब अगर पहले ज्वालामुखी फटा तो जो शंकु बना था छोटा शंकु, उसमें और विस्फोट हो गए तो वो बड़ा शंकु बन गया। तो शंकु में शंकु का उदाहरण है, जैसे दो बार हो गया विस्फोट किसी शंकु में, तीन बार हो गया, तो वो शंकु में शंकु का उदाहरण माना जाता है ये वाला। एक दो और मैं आपको नाम बता देता हूं। मान लो शंकु में एक होता है आपका मिश्रित हो गया, और एक आपको और शंकु का नाम मिलेगा, जैसे ये सिंडर शंकु, जैसे आपको कभी कभार पूछा जाता है सिंडर शंकु, इसी को अपन क्या कहते हैं, राख शंकु भी कहते हैं। अब देखो सिंडर शंकु का मतलब क्या होता, यानी ये जो लावा निकलता है इसमें से जो राख वाले पदार्थ, ये जो शंकु है इसमें राख है, इन वाले पदार्थों का जो मात्रा अधिक मिलेगी निकलेगी उसे अपन क्या कहते हैं, सिंडर शंकु कहते हैं। जिसमें भू राख है, जैसे जलने के बाद में जो राख वगैरह होती है वो ज़्यादा निकलती है, इस प्रकार के शंकु को अपन कहते हैं। तो मैंने आज आपको बता दिया शंकु, ज्वालामुखी शंकु, अम्लीय शंकु, क्षारीय शंकु, मिश्रित शंकु, परिपोषित शंकु, शंकु में शंकु, सिंडर शंकु और एक दो और शंकु है। तो मुख्य रूप से ये चार पांच जो महत्वपूर्ण शंकु थे उनके मैंने आपको नाम बता दिए, उनको अपन किस प्रकार से परिभाषित करते हैं उनको मैंने आपको बता दिया था। इनके आपको उदाहरण भी आपको बुक में कहीं मिले तो आप उनके उदाहरण को जरूर पढ़िए। और आप हमारे चैनल पर हमेशा का एक वीडियो अगर आप देखते हो, और मैं आपको इसी चैनल से निःशुल्क कक्षाएं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी सेकंड पेपर की मैं आपको करवाने वाला हूं, ताकि आप हमारे वीडियो से जुड़ सकते हो। आप हमारा फेसबुक पेज है आपका ज्योग्राफी जंक्शन पे, उस पर आप जुड़ सकते हो, और आपका हमारा यूट्यूब चैनल है ज्योग्राफी जंक्शन, उसको आप अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमारे मोटिवेशन को बनाए के रखने के लिए आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें, और धन्यवाद आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह आप पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।